वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ना लाइक करने के लिए कहूंगी, ना सब्सक्राइब करने के लिए कहूंगी, बस शेयर करने के लिए कहूंगी, क्योंकि ये शायद ये वीडियो आपके लिए यूजफुल ना हो लेकिन दूसरों के लिए यूजफुल जरूर हो सकती है, इसलिए इसे शेयर जरूर करें। हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपके साथ इम्यूनिटी ड्रिंक शेयर करूंगी और वो बहुत लोगों के पास पहुंची भी है, तो मैंने यहाँ गोलकी लिया है, ब्लैक पेपर जिसको कहते हैं हम लोग, 5 से 10 है, मतलब 5-10 तो होगा ही। उसके बाद मैंने मुलेठी का इस्तेमाल किया है। मुलेठी आप कहीं भी लोकल मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगा। और फिर मैंने यहाँ लेमन ग्रास, 4 लौंग है और बहुत ज़्यादा मतलब अदरक की क्वांटिटी ज़्यादा है, आप देख सकते हो। और मुलेठी आप देख सकते हो, ये अगर किसी को नहीं पता है तो लकड़ी की तरह वो हल्का दिखता है। अगर आपको नहीं मिल रहा हो तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, ये सब जगह आपको मिल जाएगा ये। तो इसमें से हम लोग कुछ कुछ चीज़ें को इमाम दस्ते में अच्छे से कूट लेंगे। जैसे कि हम लोग मुलेठी हल्के से इसे कूटना है ताकि इसके जितने भी अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स है वो अच्छे से निकल जाए। पूरी तरीके से नहीं कूटना है, मतलब हल्का हल्का इसे कूट लेना है। उसके बाद हम लोग इसमें गोलकी भी कूटेंगे और अदरक भी कूटेंगे। ये 3 चीज़ हमारा इमाम दस्ते में हल्का सा पीसा जाएगा। ऐसे तो इसे छानना ही है हमें, बस ये है कि हमें जो वाटर है पानी में इसका पूरा जूसेस चले जाना चाहिए ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे इम्यूनिटी मिल सके। तो ये आयुर्वेदक इम्यूनिटी ड्रिंक है, आप कह सकते हो। मुझे बहुत तेज सर्दी थी और मैंने ये लगातार 3 दिन, तो आपको एक कप भर के नहीं पीना है, थोड़ा थोड़ा आप 3 समय पी सकते हो और बस आपका सर्दी, खांसी, फीवर सब सही हो जाएगा। थोड़ा सा एक्सरसाइज करो, बस आप फिट रहोगे। बस हम लोग को क्या करना है, लेमन ग्रास को तोड़ तोड़ के इसमें डाल देना है, लौंग डाल देना है और तुलसी का पत्ता डाल देना है, हल्का हल्का तोड़ तोड़ के दे देना है ताकि सारे जूसेस निकल जाए। मैंने यहाँ कम से कम 2.5 गिलास के बराबर पानी डाला है। अगर आपको ज़्यादा पानी डालना है तो आपको ये सारे क्वांटिटी थोड़ी थोड़ी बढ़ानी होगी। तो अब मैं इसे गैस पर चढ़ा दूंगी और 15 मिनट के लिए इसे हम उबालेंगे, हल्का मीडियम आँच पे, ठीक है, 15 मिनट के लिए। इसे हम लोग को ऐसा नहीं कि खोल जाना है तो बंद कर देना है, इसे 15 मिनट के लिए लगातार इसे खोलेंगे। जैसे कि हम लोग को पता है कोरोना वायरस का सेकेंड वेव बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और वो इम्यूनिटी इसलिए हमें स्ट्रांग रखनी ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी तो हमारे ऊपर वायरस अटैक कर सकता है। डैट्स वाई मैं आपको सर्दी हो नहीं हो लेकिन फिर भी आप ये ड्रिंक पियो, लगातार पियो और एक्सरसाइज करते रहो, फ्रूट्स खाते रहो, हेल्दी खाने खाते रहो, आपके लिए बेस्ट होगा। और अपना ड्रिंक ये वाला पीते रहो, 3 टाइम पीना है इसे, थोड़ा थोड़ा कर कर। बस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।